दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तक आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपका जो रिफंड क्यों नहीं क्रेडिट हो रहा है, यानी ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण कि आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो इनकम टैक्स का रिफंड स्टेटस है वो किस तरह से जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ स्टेटस में हमारे को शो कर देगा कि आपका जो रिफंड अगर कोई क्यूरी के कारण जो है अटका हुआ है तो वो क्या क्यूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में बताए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप भी अपने रिफंड का जो है स्टेटस चेक करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चाहे फोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप, जो भी आप इसमें ब्राउजर यूज कर रहे हो, ब्राउजर के आपको सर्च बॉक्स में जाना है और सर्च बॉक्स में जाके आपको वहां पर जो है सिंपली टाइप कर देना है इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस। आपको इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस टाइप करके और इसको आपको जो है सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे, सर्च करते ही एक जो है टिन NSTL की, जिसके ऊपर हम इनकम टैक्स का रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो वो वेबसाइट आपके सामने खुल के शो हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे सामने जो है वेबसाइट का नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल के शो हो जाएगा। अभी आप इसमें देख सकते हो रिफंड स्टेटस NSTL, रिफंड स्टेटस जो NSTL का ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही जो है पेज थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद में जो है नेक्स्ट पेज मेरे सामने खुल के शो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हमारे को जो है कुछ अपनी जो है इंफॉर्मेशन फिल करनी है और कैप्चा दिया, कैप्चा फिल करके और अपनी जो रिफंड का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल के शो हो गया। अभी इसमें दो ही चीज़ हमारे को फिल करनी है, एक तो हमारा जो पिन नंबर है और एक असेसमेंट ईयर, यानी आप कौन से ईयर का जो है अभी तक आपका जो है रिफंड नहीं आया है। दोनों चीज़ें हमारे को फिल करके नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा को कैप्चा वाले बॉक्स में फिलअप करना है और जो नीचे प्रोसीड दिया हुआ है हमारे को प्रोसीड कर देना है। तो मैं ये दोनों चीज़ें फिल कर लेता हूँ, फिल करने के बाद में प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करते ही आप देख सकते हो इस तरह का पेज मेरे सामने खुल के शो हो गया। अभी कई आदमियों को डाउट रहती है कि इस तरह का पेज मेरा स्टेटस में खुल के शो हो रहा है, स्टेटस तो शो ही नहीं कर रहा है। तो हमारे को क्या करना, प्लीज़ नोट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ नोट वाले ऑप्शन के सामने जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही आपका पेन नंबर, आपका असेसमेंट ईयर, आपका अगर पेमेंट जो है आ गया है तो पेमेंट, रेफरेंस नंबर और स्टेटस, आपका जो सबसे मेन है स्टेटस, ये स्टेटस आपको शो कर देगा। ये तो मेरा आ गया है इसलिए शो कर रहा है, अगर आपका कुछ और क्यूरी होगी, कोई पेंडिंग क्यूरी होगी तो वो क्यूरी भी यहाँ पर शो कर देगी। अकाउंट नंबर और डेट, अगर आपका रिफंड पहले से क्रेडिट हो चुका है तो कितने तारीख को जो है क्रेडिट हुआ वो आपको इसमें पूरा का पूरा। दोस्तों इस तरह से हम जो है बड़ी ही आसानी से अपने जो इनकम टैक्स का रिफंड का स्टेटस है, अगर कोई क्यूरी हो तो वो स्टेटस में हमारे को क्यूरी भी जो है शो कर देगा। इसके बाद में दोस्तों मैं वापस जो प्लीज़ नोट वाले एरो मार्क पर क्लिक करता हूं तो इसी पेज पर पहले वाले पर आ जाता हूं। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों आपको आपका जो बैंक है, जिस बैंक के द्वारा आपको जो है रिफंड आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उस बैंक की भी आपको जो है कंप्लीट डिटेल यहां पर मिलेगी। कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स हमारे रिफंड को रिलीज कर देता है परंतु बैंक हमारे जो इसमें पोर्टल में एड जो बैंक है उसमें हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट नहीं हो पा करता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको ईमेल भी दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है और बैंक का एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप जो आपको अच्छा लगे उससे द्वारा आप बैंक से भी जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा इसमें जो भी बैंक आपका दिया हुआ होगा, चाहे एक्सिस हो, HDFC हो, आपका जो है पूरे बैंकों का डिटेल यहाँ पर, बैंक का डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक